In this video, we are going to study about the humectants. Humectants are the another excipients that we used for the manufacturing of a cosmeceutical product. अब अगर हम कोई भी कॉस्मोस्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे क्रीम्स हो गए या फिर हमारे लोशंस हो गए, तो हमें ये चाहिए, हमारी बॉडी के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसे हाइड्रेटेड रखना है, हमें उसे मॉइस्चर देना है, ठीक है, मॉइस्चराइज रखना है हमें हमेशा हमारी स्किन, ठीक है। तो अगर हम कुछ भी प्रिपरेशन बना रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि उससे हमारी स्किन पर ड्राइनेस नहीं हो, हमारी स्किन में उसे मॉइस्चर मिले, ठीक है। सो द कॉमन मॉइस्चराइजिंग एजेंट फाउंड इन द वेरियस कॉस्मोस्यूटिकल प्रिपरेशन यूज फॉर द हेयर एंड स्किन आर नोन एज ह्यूमेक्टेंट्स। दे are known for their ability to retain moisture while also preserving the overall properties of product at hand. Humectants क्या करते हैं, हमारी जो preparation है उसमें हमारी body में moisture को retain करने की ability तो देते हैं, उसके अलावा जो हमारे product है उसकी जो overall properties है उन्हें भी maintain करते हैं, ठीक है। Commonly used humectants are glycerin. It is a common ingredient of soaps and shampoos and conditioner which is naturally derived from the plant-based oils. ठीक है, glycerin हमारा most commonly used in humectant है. Next we have the propylene glycol. It is a non-toxic, low odor and low viscosity and it is compatible with many ingredients. मतलब कोई unnecessary reactions show नहीं करता है दूसरे ingredients के साथ, ठीक है. Propylene. Next we have sorbitol. It is a derivative of glucose. Next we have the butylene glycol. It is a form of alcohol that draws water from air and make it lightweight moisturizing agent. ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा जो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें से वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करता है और हमारी जो स्किन है उसको, उसमें जो हम अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजर को, उसको कंपैरेटिवली लाइटवेट बनाता है. नेक्स्ट इज द पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल. सो दीज आर सर्टेन ह्यूमेक्टेंट्स दैट आर यूज्ड इन द कॉस्मोस्यूटिकल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉस्मोस्यूटिकल प्रोडक्ट्स.